वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल बच्चे हम लोग ये चैप्टर कर रहे थे, द एशेज दैट मेड द ट्रीज ब्लूम। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम देख लेते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा था। तो देर इज़ दिस वन ओल्ड कपल, जापान की बात है ये, एक ओल्ड कपल है जो जिनके पास सिर्फ एक पेट डॉग है एंड दे ट्रीट द डॉग लाइक देयर ओन बेबी। उनका कोई बेबी नहीं है, दैट्स वाई दे आर सो काइंड टू दिस एनिमल एंड नॉट ओनली टू देयर डॉग बट दे आर काइंड एंड जनरस टूवर्ड्स एवरी लिविंग बींग। हर लिविंग क्रिएचर के लिए वो बहुत काइंड है और हर किसी के बारे में सोचते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट द डॉग दे आर काइंड टू, बट ऑन द अदर एंड उनके एक नेबर है हु इज़ वेरी अपोजिट टू दिस कपल। वो भी एक ओल्ड कपल है बट दे आर वेरी विकेड पीपल और उनके अराउंड, उनके आसपास कोई भी डॉग या कुछ आता है तो वो उसको किकआउट कर देते हैं, वो बिल्कुल भी काइंड नहीं है। तो ये जो ओल्ड कपल है, दिस काइंड कपल, वो अपने डॉग से बहुत प्यार करते हैं, उसको अच्छा खाना देते हैं, अच्छे से रखते हैं अपने पास। तो ये डॉग भी उनसे बहुत प्यार करता था। तो एक बार क्या होता है, वो डॉग अपने मास्टर के पास आता है और उनको कहीं लेकर जाता है। तो ग्राउंड में जब वो डिग करते हैं तो पता चलता है वहाँ पर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे। तो इसी लालच में आके, इसी जेलसी की वजह से, जो इनके नेबर्स थे, दैट विकेड ओल्ड पेयर, ओल्ड कपल, वो भी उस डॉग को लेकर जाते हैं। बट जब वो डॉग उनको कोई ट्रेजर, हिडन ट्रेजर नहीं दिलवा पाता है तो वो उसको मार के वहीं फेंक देते हैं। तो अब ये वाला जो ओल्ड कपल था, जिनका वो पेट था, वो बहुत रोते हैं उसके मरने पर एंड उनके सपने में, ओल्ड मैन के सपने में वो डॉग आता है और वो उनको कुछ उसका स्पिरिट कुछ बताता है, जिसको करने पे इनको और ज़्यादा गोल्ड मिलता है और ये और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। तो इसी को देखते हुए जो दूसरा कपल था वो भी इनको फॉलो करते हैं ताकि उनको भी कुछ गोल्ड मिले, बट उनको नहीं मिलता है ऐसा। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, आगे आज कंटिन्यू करते हैं। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. तो अब क्या हुआ, जब पहले डॉग का स्पिरिट आया था इसके सपने में, तो उसने कहा था कि अपने राइस पेस्ट्री और बीन सॉस के लिए तुम जो ट्री है, जो पाइन ट्री है मेरी ग्रेव के ऊपर, उसको काट के प्रिपेयर करना। तो फिर उससे क्या हुआ, इनको बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिले। तो ये देखकर इनका जो, इनके जो नेबर्स थे, वो गंदा कपल था, वो इनसे मोटर और मिल को बोरो करके ले गए और फिर जब उसमें उन्होंने राइस को ग्राइंड करना स्टार्ट किया, राइस और बीन्स को, कि हमें भी सोना मिलेगा, बट उनको सोना नहीं मिला। इनफैक्ट उनको तो वहाँ पर वॉर्म्स मिले और बहुत गंदी गंदी चीज़ें, डर्टी वॉर्म्स मिले, क्योंकि वो अच्छे नहीं थे, दे वो वेरी एनवियस पीपल एंड वो बिल्कुल भी काइंड नहीं थे। तो एज अ रिज़ल्ट उनके साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा था। तो फिर क्या होता है कि वो जब उनका मिल और मोटर ले गए थे अपने पास, वहाँ पे उससे उनको कुछ अच्छा बेनिफिट नहीं मिला तो उन्होंने उसको तोड़ दिया। तो यहाँ पे जो अच्छा कपल था, वहाँ पे ओल्ड मैन को फिर से सपने में इस डॉग का स्पिरिट आकर बोलता है कि तुम्हारे नेबर्स ने वो मिल और जो पाइन ट्री से मिल बनाया था उसको जला दिया है। तो अब तुम ऐसा करो, टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन। कि अब तुम ऐसा करो, उन्होंने जला तो दिया है, उसकी एशेज को ले जाओ और जितने विदर्ड ट्रीज है, विदर्ड ट्रीज मतलब जो एकदम ड्राई ट्रीज हैं, जो सूख गए हैं पेड़, उन पे डाल दो और वो फिर से खिल जाएंगे, दे विल ब्लूम अगेन। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace, in the middle of the floor, smoking and spinning. तो अब क्या हुआ, जब सपने में आया डॉगी का स्पिरिट, तो this old man he woke up और ये अपने नेबर के घर चला गया। वहाँ ये देखता है कि वो आराम से अपने घर फ्लोर के मिडिल में आग जलाकर बैठे हुए हैं, स्मोक भी कर रहे हैं, स्पिन भी कर रहे हैं, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉर्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज। और मतलब वहाँ अब इट वाज विंटर का टाइम था, तो वो आराम से बैठ के अपना स्मोक भी कर रहे हैं, स्पिनिंग भी कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम पे क्या कर रहे हैं, जो उन्होंने आग जलाई हुई है फायर प्लेस में, वहाँ पे से अपने हाथ और पैर भी गर्म कर रहे हैं विद द ब्लेज फ्रॉम द हीट कमिंग फ्रॉम दैट बर्निंग। Some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces.
तो वो जलाए हुए और उसके पीछे आधे एक पाइल रखा हुआ है, एक बंडल रखा हुआ है ब्रोकन पीसेस का, जिसको और जलाएंगे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, दो द कोविटस कपल टर्नड अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज। नाउ व्हाट हैपेंड, दिस ओल्ड मैन ही वेंट देयर, उसने जब देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं तो इसने बड़े हम्बली बहुत प्यार से उनसे पूछा कि मैं क्या ये एशेज ले जाऊँ। दो द कोविटेड कपल टर्नड अप देयर नोजेज एट हिम, टू टर्न अप योर नोजेज अगेंस्ट समबडी मीन्स टू ट्रीट सम पर्सन एज इफ ही इज़ वेरी वर्थलेस, बहुत गंदे तरीके से डिसरिस्पेक्टफुली बात करना। तो उस कपल ने इस ओल्ड मैन से अच्छे से बात नहीं की एंड उसको ऐसे ट्रीट किया एज इफ ही वर अ थीफ, बट फिर भी उन्होंने एशेज दे दिए। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर। तो अब क्या हुआ, जब वो एशेज लेकर वापस घर आ गया तो वो अपनी वाइफ को लेकर बाहर गार्डन में जाता है, बिकॉज विंटर थी, विंटर में क्या होता है सारे तो पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों के, तो उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो इट वॉज बेयर, वो विदर्ड था, उस एकदम सूखा हुआ था, उसमें पत्ते नहीं थे। तो उन्होंने जब वो एशेज स्प्रिंकल करी उस पेड़ पे तो एकदम से उसमें ब्लॉसम्स आ गए, वो सारे फूल खिल गए। सो इट बी अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर, तो वो बिल्कुल पूरे पिंक पिंक फूल खिल गए, उसमें ब्लॉसम्स आ गए पूरे पेड़ में और वो इतने प्यारे लग रहे थे पिंक क्लाउड्स की तरह, एंड इट परफ्यूम द एयर, उसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस थी, तो पूरी अराउंड उस एरिया में वो फ्रेग्रेंस ही स्प्रेड हो गई एयर के साथ। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर। अब जब गांव में सबको पता चला इस न्यूज़ के बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ है, हर कोई बाहर भागता हुआ आया देखने के लिए कि ये क्या मैजिक हो गया है। द कोविटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल केप देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम। नाउ था इट ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, उनको भी पता चला इस पेड़ के बारे में कि इन्होंने कैसे वो एशेज से एक विदर्ड ट्री को ब्लॉसम कर दिया। तो इसने क्या किया, ये जो कोविटस कपल था इनके पास तो एशेज थे ही क्योंकि इन्होंने ही तो मिल जलाया था, तो इन्होंने भी एशेज लिए और दे गैदर्ड अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल केप देम टू मेक विदर ट्री ब्लॉसम। तो इन्होंने भी संभाल के रख लिया एशेज कि हम भी पेड़ पर स्प्रिंकल करेंगे तो हमारे भी ट्रीज ब्लॉसम हो जाएंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डायमियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज। अब ये जो काइंड ओल्ड मैन था उसको पता चला कि जो डायमियोज है, अब डायमियोज क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि डायमियोज बोलते थे जो वेल्दी लैंड ओनर्स होते थे उनको, तो अब वेल्दी लैंड ओनर्स जो है मतलब वो उस एरिया का ओनर है जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, लैंड ओनर है वो, वेल्दी है, बहुत पावरफुल मैन है। तो मतलब अब वो जब आएगा तो आसपास क्या होता था कि जितने भी लोगों के घर ऊपर थे हाइट पे, मतलब जो ऊपर वाले फ्लोर में घर थे, वो सब लोग अपने खिड़कियों को बंद कर देते थे या फिर पेपर चिपका के, पेपर पेस्ट करके उसको ढक देते ताकि कोई उस डायमियो से ज़्यादा ऊपर से नीचे की तरफ ना देखे, मतलब उसको डाउन फील ना करवाए, इसलिए कोई बाहर अपनी खिड़कियों से नहीं झांकता था और उसको कवर कर देते थे। तो इस बूढ़े आदमी को जब पता चला, दिस काइंड ओल्ड मैन व्हेन ही गॉट टू नो डायमियो इज़ टू पास थ्रू दैट विलेज, तो वो हाईवे के पास चला गया अपना एक एशेज का बास्केट लेकर उसको देखने। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। अब जैसे जैसे वो ट्रेन पास आई तो उसने क्या किया, वो ओल्ड चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया और वहाँ पे ऊपर चढ़ के उसने क्या किया, साइड पे चढ़ के खड़ा हो गया, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। नाउ इन द डेज ऑफ द डायमियोज इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप।
अब एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट वो क्या करते थे कि एक तो रास्ते में जितने भी लोग उसके सामने आएंगे डाइमियोज के, वो बो डाउन करेंगे बहुत देर तक जब तक वो पास नहीं हो गया, और जो घरों में है जिनकी ऊपर है खिड़कियाँ वो नहीं देखेंगे नीचे, तो ये डिसरिस्पेक्ट होगी अगर ऊपर से किसी ने नीचे पीप किया तो। एंड ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड विल फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास बाय। तो मतलब कि जितने भी लोग रोड पे होते थे वो एकदम बो डाउन करते थे, झुक जाते थे ऐसे रिस्पेक्ट में जब वो आता था, और जब तक वो पास नहीं हो जाता था लोग वैसे ही रहते थे। हाँ द ट्रेन ड्रू नियर, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड क्राइंग आउट टू पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग। अब यहाँ पे जैसे ही ट्रेन आगे आ रही थी, अब एक आगे और आदमी था वो क्या कर रहा था, सबको बोल रहा था गेट डाउन ऑन योर नीज़, गेट डाउन ऑन योर नीज़ के दिस डाइमियो इज अबाउट टू पास, सो सब लोग अपने नीज पे हो जाओ। और सुन के क्या कर रहे थे, एवरी वन वॉज नीलिंग डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजड मैन अप इन द ट्री, he was about to call out to him in an angry tone, but seeing that he was such an old fellow he pretended not to notice him and passed him by. to ab kya hua ki when this leader of the van jab usne dekha ki upar ek old man hai ped ke upar, to wo chillane wala tha gusse se ki tum upar kyun ho, niche utro aur bow down karo daimyo ko, but fir usne dekha ki he is such an old man, to usne aise aise pretend kiya as if he didn't see that man. so when the daimyos Palanquin drew near, the old man taking a pinch of ashes from his basket scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. तो as a mark of respect, old man ने क्या किया, जैसे ही now palanquin क्या होता है कि आपने देखा होगा पहले के time पे जो ये royal families के लोग जाते थे वो एक cart में जाते थे, बहुत ही proper decorated होता था, so that called palanquin. तो ओल्ड मैन ने जब देखा कि ये डाइमियोज का कार्ट नीचे से जा रहा है, तो उसने थोड़ा सा एशेज को स्प्रिंकल कर दिया उस चेरी ट्री पे, वो तो विदर्ड था ट्री, उसमें ब्लूम्स नहीं थे, तो उसने ब्लॉसम्स नहीं थे, तो उसने उस पर स्प्रिंकल कर दिया थोड़ा सा एशेज, और जैसे ही उसका डाइमियोज का कार्ट नीचे से निकलने लगा एकदम से ऊपर पेड़ में ब्लॉसम्स हो गए, बहुत सारे फूल खिल गए। द डिलाइटेड डाइमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक्स, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, ही इवन इन्वाइटेड हिम टू द कैसल। तो अब क्या हुआ, जब उसने देखा डाइमियो ने अंदर से कि कितना अच्छा फूल खिल गए एकदम से पेड़ पर, तो उसने अपनी वो ट्रेन रुकवाई, अपना वो कार्ट रुकवाया और बाहर आ गया। बाहर आकर अब उसने देखा ऊपर, तो ऊपर कितना अच्छा उसको वो दिखा कि पूरे ब्लूम हो रहे हैं, वो जो ट्रीज़ थे वो सारे ब्लॉसम, सिर्फ एक ही ट्री वो पूरा ब्लॉसम कर रहा है क्योंकि बाकी ट्रीज़ तो वैसे ही थे, तो वो ट्री इतना ज़्यादा ब्लॉसम कर रहा था, और वो देखकर इतना खुश हुआ ये डाइमियो कि उसने उस ओल्ड मैन को ऊपर से नीचे बुलवाया, उसको थैंक यू बोला, और सिल्क रोब्स, रोब्स क्या होते हैं ना, इट्स अ गारमेंट, तो सिल्क के कपड़े जो थे, नाउ यू पीपल मस्ट हैव सीन जापनीज लोग कैसे पहनते हैं वो कपड़े, तो वो सिल्क के होते हैं, तो एक वो सिल्क रोब, स्पॉन्ज केक्स, फैंस और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स उसको दिलवाए उस ओल्ड मैन को, और उसको इवन इनवाइट किया अपने कैसल में कि तुम मेरे कैसल में आना। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, तो ये जो ओल्ड मैन था वो बहुत खुश हो गया, और वो ग्लीफुली मीन्स वेरी वेरी हैप्पीली, तो ही वेरी प्लेजेंटली वेंट होम, घर जाकर उसने अपनी वाइफ को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, इट ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, देयर ही वेटेड अंटिल अ डाइमियोज ट्रेन केम अलोंग, एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री। अब ये जो विकेट कपल था उनका नेबर, वो हर चीज़ में इनको चीट करते थे, कॉपी करते थे, जो भी ये करते थे ये काइंड कपल जो भी करता था वो भी वही सब करने लग जाते थे। इन्होंने भी अपना बास्केट उठाया एशेज का
और लेकर चले गए हाईवे पे। वहाँ वेट करते रहे जब तक उसकी ट्रेन नहीं आई। तो जैसे ही टाइम में उसकी ट्रेन आई तो इन्होंने क्या किया, बाकी लोगों की तरह नील डाउन नहीं किया। इंस्टेड दिस ओल्ड मैन ही क्लाइम द ट्री, एक विदर्ड चेरी ट्री पे क्लाइम किया। वेन द डाइमियो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल। तो अब इसने भी सोचा कि जैसे उसने स्प्रिंकल किया था एशेज, मैं भी स्प्रिंकल करूँगा। तो जैसे ही डाइमियो का ट्रेन एकदम पेड़ के नीचे पहुँचा, उसने ऊपर से एशेज स्प्रिंकल कर दी, बट इट डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल। मतलब कोई भी चीज़ चेंज नहीं, एक भी फूल नहीं आया उस पेड़ पे। इंस्टेड हुआ क्या, द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ, सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री एंड ट्रबल्ड हिम एंड हिज ऐश and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. तो अब क्या हुआ कि उसने जो ashes sprinkle करी थी हवा की वजह से, वो सारी उस डायमी और उसकी वाइफ की आईज में चली गई। तो सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, अब हवा की वजह से कुछ ashes आँख में चली गई, तो they kept snaking, उनको सांस नहीं आ रहा था, they were choking। तो उससे क्या हुआ, वो जितना भी pomp and show हो रहा था वहाँ पर, उसकी अब dignity थी, he was a powerful man, बड़ा आदमी था, ही वॉज अ रॉयल मैन। तो अब उसके साथ किसी ने ऐसा किया तो उसकी डिग्निटी पे अफेक्ट हुआ वो। तो जो आदमी चिल्ला रहा था कि गेट ऑन योर नीज, उसने क्या किया, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर। अब वो जो ओल्ड मैन चढ़ा हुआ था पेड़ पे, उसको कॉलर से पकड़ते हुए नीचे खींचा, ही ड्रैग्ड हिम, उसके बाद टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, उसको और उसकी जो ऐश बास्केट थी दोनों को फेंक दिया एक डिच में रोड के साइड पे। Then beating him soundly, he left him for dead. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. तो फिर क्या हुआ कि अब उस आदमी ने उसको मारा, इतना मारा कि वो मरने के लिए छोड़ दिया, और फिर जब वहाँ से चले गए वो डायमियो और वो सब, तो that wicked old man he died there only in the mud, but his kind friend, जो kind couple था जिनका डॉग पेट था, दे dwelt इन पीस, मतलब दे lived इन पीस एंड प्लेंटी, एंड बोथ ही एंड his वाइफ lived टू अ ग्रीन ओल्ड एज। तो फाइनली क्या हुआ कि उनका जो विकेड नेबर कपल था जो उनको तंग करता था, दैट मैन डाइड, और फिर ये लोग खुशी खुशी आराम से हैप्पीली रहे। तो ये स्टोरी थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं, अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं किसी और के साथ, तो हमारे साथ अच्छा अच्छा ही होता है। लेकिन अगर हमारे इंटेंशंस बुरे हैं तो हमारे साथ हमेशा बुरा ही होगा। नाउ दिस ओल्ड काइंड कपल, जो काइंड कपल था, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, दे वर नॉट ग्रीडी, वो हमेशा काइंड थे दूसरे लिविंग बींग्स के साथ, फिर भी उनके साथ सब अच्छा अच्छा हो रहा था। बट जो दूसरा कपल था वो हमेशा लालच दिखाता था और इनको कॉपी करने की कोशिश करता था ताकि उनको पैसे मिले, गोल्ड कॉइन्स मिले। बट उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ तो सब कुछ उल्टा उल्टा ही हो रहा था, सब गलत गलत हो रहा था। एंड फाइनली जिस तरह उन्होंने डॉग को मार मार के फाइनली मार ही दिया था, उस तरह वो ओल्ड मैन खुद भी वैसे ही मर गया। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स। अब जो ओल्ड फार्मर है ही इज़ अ काइंड पर्सन, ये तो हमें पता है, बट क्या प्रूफ मिला हमें कि वो काइंड पर्सन है, व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स। तो हम फर्स्ट टू पैराग्राफ्स पे चलते हैं और देखते हैं। In the good old days of the dinos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crepe, and at meal time, Muko, so that was its name, would sit on it as snug as any cat.
The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted, thus treated the dumb creature, loved its protectors like a being with a soul. तो ये लो क्वेश्चन क्या था कि द क्वेश्चन वॉज दैट द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, वॉट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स. अब हमें ये पता है कि वो काइंड था, बट क्या एविडेंस है? तो एविडेंस ये है कि द ओल्ड फार्मर वॉज अ काइंड बिकॉज द ओल्ड कपल दे ट्रीटेड देयर डॉग जस्ट लाइक देयर ओन बेबी, एंड इट वॉज एंड नॉट ओनली डॉग बट दे वर काइंड एंड जेनरस टू ऑल द लिविंग बींग्स दैट पास्ड देयर वे. तो जिस तरह वो डॉग को डॉग से बिहेव करते थे अपने खुद के बेबी की तरह, एंड दे वुड सर्व हिम विद फूड वॉट दे आर हैविंग देम सेल्स. तो इससे पता चलता है कि दे वर वेरी काइंड, एंड दे वर नॉट काइंड ओनली टू देयर ओन डॉग, देयर ओन पेट, बट ऑल्सो टू ऑल दी अदर लिविंग बींग्स हु पास देयर वे. एंड ही ऑफन डग अ सॉड अलॉन्ग विद द रोड साइड सो दैट द बर्ड्स कुड गेट देयर फूड फ्रॉम दैट. तो वो ऐसे रास्ते में चलते हुए एक खड्डा सा भी एक वो गड्ढा खोद देते थे रोड के साइड पे, जिससे कि बर्ड्स उसमें से आकर अपना खाना खा ले. तो उनके ये जो एक्ट्स हैं इससे पता चलता है कि ही वॉज वेरी काइंड. वॉट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड? अब डॉग ने किस तरह फार्मर को बताया कि वहाँ पे पेड़ के पास कुछ हिडन गोल्ड है? ही केप्ट विनिंग एंड यू नो मूविंग सर्कलिंग राउंड एंड राउंड टू एंड फ्रो एंड अंटिल द फार्मर स्टार्टेड फॉलोइंग हिम. सो कैसे पता चला था? The dog came running to the farmer, kept winning and circling to and fro until the farmer started following him. Then he took him to a tree and started scratching the ground, and with the help of his hoe, when the farmer digged that ground, he came across the hidden gold. So this is how the dog led him to that hidden treasure. Then third question is, how did the spirit of the dog help the farmer first? तो सबसे पहले कैसे help किया था spirit ने? Spirit ने क्या किया, spirit of dog उसने क्या किया था? उसके सपने, farmer के सपने में आकर उसे बोला कि chop that pine tree which is there above my grave and chop it into pieces and use it to make a mortar and mill to prepare rice pastries and bean sauce. So how did the spirit of the dog help the farmer first? The spirit of the dog helped the farmer first by telling him in his dream to cut the pine tree above his grave and prepare and make a mortar and mill to prepare rice pastries and bean sauce. So is tarah usne bola tha. And how did it help him next? Next time kaise help kiya? Again the spirit of the dog appeared in his dream, in old man's dream, and told him that their wicked neighbor has burned the mill of the pine tree, so go to them and get some ashes and sprinkle them on the withered trees and you will see all the trees have started blooming. So how did it help him next? Next time kaise help kiya? The spirit of the dog appeared in the old man's dream for the second time and told him that their wicked neighbor has burned the mill of the pine tree. So he told the old man to bring those ashes and sprinkle them on the withered trees to make them bloom. So this is how the dog's spirit helped him the second time. Why did the daimyo reward the farmer but punish his neighbor for the same act? Now daimyo reward the farmer because he was very much delighted by the way he sprinkled the ashes on the trees and the way trees started blooming.
सो ही डिडंट नो दैट द फार्मर हैज़ एक्चुअली स्प्रिंकल्ड समथिंग, बट इट वॉज द ब्लॉसम ऑफ द ट्री, इट वॉज द ट्रीज ब्लूम विच मेड हिम वेरी मच डिलाइटेड. सो द डायमियो रिवॉर्डेड द फार्मर बिकॉज ही वॉज वेरी डिलाइटेड टू सी द ब्लूम ऑफ द ट्री, द ब्लॉसम ऑफ द ट्री ऑन हिज पासिंग थ्रू दैट वे. सो ही थॉट द फार्मर वॉज वेलकमिंग हिम इन सच अ डिलाइटफुल वे. सो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई दैट स्वीट एक्ट ऑफ हिज, बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट. एंड वाई डिड ही पनिश द नेबर? ही पनिश द नेबर बिकॉज वेन ही स्प्रिंकल द एशेज ऑन द ट्री बिकॉज ऑफ विंड, इट वेंट स्ट्रेट इन टू द डायमियो एंड हिज वाइफ्स आईज एंड मेड हिम स्नीज एंड चोक. सो दैट्स वाई ही पनिश द neighbor and rewarded the farmer. Now working with language, read the following conversations. Ravi, what are you doing? Mridu, I'm reading a book. Who wrote it? Ruskin Bond. Where did you find it? In the library. Notice that word, what, who, where are question words. Questions that require information begin with question words. Some other question words are why, when, where, which and how. तो ये जो W से start होते हैं ये सारे question words होते हैं, what, who, where, when, why, which and how. अब how, H O W, though it starts from H, but ये भी question word ही कहते हैं. तो जो what होता है वो use होता है actions के लिए. Who is used to ask about people, which asks about people or thing, which हम use करते हैं लोगों के लिए या चीज़ों के लिए. Where हम use करते हैं जब place के बारे में बात होती है. When time के बारे में, why किसी reason के बारे में. And how कब, how से, how do you do it means या manner कि किस तरह से. And whose possession के लिए. Now what you have to do is read the following paragraph and frame question. अब यहाँ पर जो इस paragraph में italic फॉन्ट में जो लिखा हुआ है उसको हमें क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है. अनिल इज इन स्कूल, आई एम इन स्कूल टू. अब इन स्कूल इटैलिक है तो इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे. अनिल इज इन स्कूल तो क्वेश्चन होगा वेयर इज अनिल, अनिल कहाँ है. आंसर क्या हो गया, अनिल इज इन स्कूल. अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो, ये भी इटैलिक्स में. सो वेयर इज अनिल सिटिंग. ही इज रीडिंग अ बुक, वट इज ही डूइंग, वट इज Anil doing. Anil's friend is sitting in the second row. Where is Anil's friend sitting? He is sharpening his pencil. What is his friend doing? The teacher is writing on the blackboard. What is the teacher doing? Yeah, the teacher is writing on the blackboard. Sirf the teacher italicized hai. Matlab, who is writing on the blackboard? Blackboard pe kaun likh raha hai? The teacher. Children are writing in their copy books. Some children are looking out of the window. What are some children doing? They are looking out of the window. तो इस तरह से आपको question forms में इसको लिखना है. Now write appropriate question words. Again वही सारे question words use करके यहाँ इसको fill in the blanks को fill करना है. नेहा डैश डिड यू गेट हिज गेट दिस बुक येस्टरडे मॉर्निंग. येस्टरडे मॉर्निंग मतलब टाइम बता रहा है. तो वेन डिड यू गेट दिस बुक. डैश इज़ योर सिस्टर क्राइंग बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट अ डॉल. अब रीज़न दिया है कि क्यों रो रही है सिस्टर. वाई इज़ योर सिस्टर क्राइंग बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट अ डॉल. डैश रूम इज़ दिस योर्स और हर्स. इट्स आर्स. हुज रूम इज़ दिस. ये रूम किसका है, तुम्हारा या उसका. ये हमारा है. Dash, do you go to school? We walk to school. It is nearby. So, how do you go to school? तुम स्कूल कैसे जाते हो? तो शीला ने बोला हम वॉक करके जाते हैं. Now again you have to fill in the blanks by using these words that are given in the box. My friend lost his chemistry book. Now he doesn't know dash to do and dash to look for it. तो अब गुम हो गया है तो नाउ ही डजेंट नो वॉट टू डू एंड वेयर टू लुक फॉर इट. अब क्या करूँ, बुक गुम हो गई है और कहाँ उसे ढूंढूँ. देर आर सो मैनी टॉयज इन द शॉप, नीना कांट डिसाइड विच वन टू बाय. कौन सा वाला ख़रीदना है. यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल. आस्क द पुलिसमैन, आस्क द पुलिसमैन डैश टू गेट देयर. हाउ टू गेट देयर. यू शुड डिसाइड सून डैश टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस.
तुम्हें सोचना शुरू कर देना चाहिए कि तुम अपना घर कब बनवाना स्टार्ट करोगे. सो यू शुड डिसाइड सून वेन टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस. डू यू नो डैश टू राइड अ बाइसिकल? आई डोंट रिमेम्बर डैश एंड डैश, आई लर्नड इट. डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल? आई डोंट रिमेम्बर वेन एंड वेयर आई लर्नड इट. मैंने कब और कहाँ सीखी मुझे याद नहीं है. यू शुड नो डैश टू टॉक एंड डैश टू कीप योर माउथ शट, द टीचर एडवाइज अनिल. तुम्हें पता होना चाहिए कब बोलना है और कब शांत रहना है. कब मतलब टाइम, तो मतलब यू शुड नो वेन टू टॉक एंड वेन टू कीप योर माउथ शट. नाउ इन दिस क्वेश्चन वॉट यू हैव टू डू इज add im or in to each of the following words and use them in the place of the italicized words in the sentences given below. अब यहाँ पे आपको पांच sentences दिए हुए हैं. इसमें आपको क्या करना है कि जो italicized part है उसका opposite word ऊपर लिखा हुआ है, तो उसका opposite कैसे बनेगा? im, आई एन या फिर आई एन ऐड कर देंगे तो उसका opposite बन जाएगा. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द प्रोजेक्ट अपियर्स वेरी डिफिकल्ट एट फर्स्ट साइट बट इट कैन बी कम्प्लीटेड इफ वी वर्क वेरी हार्ड. तो वेरी डिफिकल्ट इटैलिसाइज है. वेरी डिफिकल्ट मतलब वेरी डिफिकल्ट का सिनोनिम क्या होता है? समथिंग विच इज़ नियरली इम्पॉसिबल. अब ऊपर पॉसिबल वर्ड है उसमें हम आई एम ऐड करेंगे, इम्पॉसिबल. सेकेंड इज ही लैक्स कॉम्पिटेंस, दैट्स वाई ही कांट कीप एनी जॉब फॉर मोर देन अ ईयर. लैक्स कॉम्पिटेंस मीन्स अब इनकॉम्पिटेंस, आई एन इनकॉम्पिटेंट. Then third is don't lose patience, your letter will come one day, the postman told me. Lose patience, अब ऊपर क्या है? Patient, उसमें impatience, I am add कर देंगे, impatient. Fourth है that's not a proper remark to make under the circumstances. That's not a proper, not a proper means improper, I am add करेंगे, improper. And last is he appears to be without sensitivity. In fact, he is very emotional. So without sensitivity मतलब insensitive. IN insensitive. अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में आर्टिकल्स यूज करने हैं, ए एन और द. अब आपको पता है कि ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल होता है. तो अब यहाँ पे यूज करेंगे देर वॉज वंस डैश प्ले विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल. देर वॉज वंस अ प्ले विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल. डैश फेमस एक्टर वॉज एक्टिंग इन इट. अ फेमस एक्टर वॉज एक्टिंग इन इट. इन डैश प्ले हिज रोल वॉज दैट ऑफ डैश एरिस्टोक्रैट. सो इन द प्ले हिज रोल वॉज ऑफ an aristocrat who had been imprisoned in a castle for 20 years. In the last act of the play, someone would come on the stage with a letter which he would hand over to the prisoner. Even though the aristocrat was not expected to read the letter at each performance, he always insisted that the letter be written out from beginning to end. अब यहाँ पे हमने बच्चे अब ए एन और द, लाइक आई सेड ए और एन इनडेफिनिट होता है, द डेफिनिट होता है. तो क्या होता है जब हम किसी चीज़ को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम ए या एन यूज़ करते हैं. तो जब हम उसको दोबारा उसी के बारे में बात करते हैं तो हम द बोलते हैं. अब यहाँ पे जब हमने फर्स्ट सेंटेंस में प्ले के बारे में पहली बार बात की, फेमस एक्टर के बारे में पहली बार बात की, एरिस्टोक्रैट के बारे में पहली बार बात की, तो हमने ए या फिर एन यूज़ किया. जब हमने दोबारा उसके बारे में बात की तो हम द यूज़ करेंगे. तो एरिस्टोक्रैट के बारे में जब हमने फर्स्ट टाइम बात की तो हमने अ बोला, एन बोला, एन एरिस्टोक्रैट हु हैड बीन इम्प्रिजन्ड इन द कैसल फॉर 20 ईयर्स. लेकिन जब हम सेकेंड टाइम उसके बारे में बात करेंगे तो हम द बोलेंगे. इसलिए इवन दो द एरिस्टोक्रैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रीड द लेटर at each performance, he always insisted that the letter be written out from beginning to end. Right? So I hope you followed this. There was once a play which became very successful. A famous actor was acting in it. In the play,
His role was that of an aristocrat who had been imprisoned in a castle for 20 years. In the last act of the play, someone would come on the stage with a letter which he would hand over to a prisoner. Even though the aristocrat was not expected to read the letter at each performance, he always insisted that the letter be written out from beginning to end. So I hope you followed the answers upar wale question ke. And next question is again the articles A and the. Isse aapko tick karna hai. Would you like dash apple or dash banana? So would you like an apple or a banana? I'd like dash apple please. I'd like an apple please. Take the red one in a fruit bowl. You may take an orange also if you like. Which one? The one beside the banana. तो जहाँ पे भी वॉवल्स होते हैं वहाँ पे हम एन यूज़ करते हैं, जो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है या इनडेफिनिट है वहाँ पे हम अ यूज़ करते हैं, और जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गया है उसके लिए हम द यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया. टुमारो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर.